हेलो मैकेनिक फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि देख पा रहे हो, हमारे पास है यामाहा का MD15, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें जो के काम होने वाला है, चेन स्प्रॉकेट चेंज होने वाला है, ठीक है। और गाड़ी सिर्फ चला है 17,000 किलोमीटर चला है, ठीक है। और ज़्यादातर नहीं चला गाड़ी, ठीक है, वो हम मीटर में दिखा देंगे अभी। और इसका चेन स्प्रॉकेट का हालत एक बार देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी घिस गया और काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो इसको हमको चेंज करना है। तो चलिए, किस तरीके से चेंज करना होता है और इसमें क्या है फ्रेंड्स, लॉक नहीं होता, तो किस तरीके से खोलना होता है वो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, जो कि उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिले फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें और भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम था, वो ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स, तो जाके देख सकते हो आई बटन में या इस कोने पे आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले टायर गार्ड जो है वो अपने खोल लिया, और इसमें जो कि लॉक है ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें लॉक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंसर नहीं खोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन से इसको काट देंगे, ठीक है, ग्राइंडिंग से इसको काट देंगे। और जो कि पुराना जो नया वाला चेन स्प्रॉकेट है उसमें क्या है, लॉक है, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंसर बिल्कुल नहीं खोलेंगे, ठीक है, तो इसको काट देंगे, जो कि ये बेकार ही हो चुका है। चलिए इसको काटते हैं, और ये सामने का जो स्प्रॉकेट है इसको खोलते हैं, और पीछे का स्प्रॉकेट भी खोलते हैं, ठीक है। और इसमें दांत एक बार देख सकते हो, 52 टीथ है इसमें, ठीक है। और आगे में क्या है, 14 टीथ है, ठीक है इसमें। चलिए इसको कट कर लेते पहले, इसके बाद चक्का वगैरह खोलेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे, तो देखते रहिए। कटिंग कर दिया, ठीक है, चेन स्प्रॉकेट को, चेन को। चलिए अब क्या करेंगे, आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो फाइनली हमने क्या किया फ्रेंड्स, जो पीछे का पहिया है वो हमने ऑलरेडी खोल लिया, जैसे कि देख सकते हो, और इसका बिना खोले ही सब कुछ, मतलब अपना स्प्रॉकेट जो है, स्प्रॉकेट देख सकते हो दादी, वो अपना निकल चुका है, ठीक है। और जैसे कि ये देख पा रहे हो, इसका ड्रम रबड़ है ये, ठीक है। और चलिए इसको क्या करते हैं, ये जो 14 mm की जो बोल्ट है जितना भी, तो इसमें 6 होल होता है, ठीक है, सभी को हम खोलेंगे, उसके बाद आसानी से ये लग जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से लगाना होगा, और ये बुश हम खोल देंगे, बुश जाम है, चलो इसको रहने देते हैं। और आगे का भी स्प्रॉकेट खुल चुका है, और गंदा काफ़ी ज़्यादा है, ये सर्विसिंग करता है शोरूम में, गंदगी साफ नहीं करता, ये देखो अपना स्प्रॉकेट। तो हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से भाई स्पर बांध लिया, उसके बाद हम खोलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया से सबको खोल लेते हैं एक बार, तो फाइनली हमने जितना भी बोल्ट था सभी बोल्ट को खोल लिया। आप देख सकते हो ये जो ड्रम का जो हब है, ठीक है, चेन स्प्रॉकेट का जो हब है काफ़ी बड़ा सा है, ठीक है। अब चलिए इसको बढ़िया से क्लीन करते हैं, और क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, इसको बढ़िया से क्लीन करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। और ये देख सकते हो अपना चेन स्प्रॉकेट पुराना वाला, अब नया वाला दिखाता हूँ। हमने क्या किया, रोलैंड का मंगाया, ठीक है, और जेन्युइन हमको मिल नहीं रहा, और रोलैंड का तो वैसे अच्छा ही है, चलता है काफ़ी बढ़िया, रोलन का देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, कितना बड़ा देखो। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है, इसमें भी देख सकते हो 52 टीथ है इसमें। तो चलो इसको बढ़िया से क्लीन करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो फाइनली लग चुका है अपना चेन स्प्रॉकेट, जो कि काफ़ी अच्छा लगा है अभी, ठीक है। चलिए इंस्टॉल कर लेते काफ़ी बढ़िया से, और ग्रीसिंग थोड़ा बहुत कर लेते, उसके बाद लगा देते। साइड में हो गया, आप क्या करना होगा, उस साइड में लगाना होगा, ठीक है, जो कि डिस्क कैलिपर। तो फाइनली फ्रेंड्स, देख सकते हो अब पीछे का पहिया जो है वो लग चुका है, ठीक है, और ये हमको सेट करना है, मतलब इसका मेन पार्ट क्या होता है, चेन को बढ़िया से सेट करना होता है। तो किस तरीके से सेट करना है वो आप बात पर करने वाले हैं, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, जो कि सामने से भी देख सकते हो बढ़िया से हमने क्लीन करके छोटा वाला स्पॉकेट जो है वो हमने लगा दिया। फाइनली काफ़ी बढ़िया से क्लीन भी हो चुका है, तो इस जगह से भी क्लीन हो चुका है देख सकते हो। तो चलिए आप क्या करते हैं, चेन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये चेन देख सकते हो और ओरिंग वाला चेन है, ये देखो ओरिंग है, साथ में एक्स्ट्रा दिया हुआ है देख रहा हूँ। चलिए लॉक को खोलते हैं और इसमें तो लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए ये है लॉक, चलिए लॉक को खोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताना चाहूँगा लॉक खोलने का एक तरीका होता है, ठीक है, जो कि कई भाई लॉक खोलने में क्या होता है परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स को लॉक खोलने के लिए जैसे कि ये लॉक है, लॉक का मुंह जो देख पा रहे हो ये है, ठीक है, इस जगह पे, और हमको इस जगह पे पकड़ना है और प्लस को इस जगह पे पकड़ना है, ठीक है। फिर क्या होगा, धकेल देना है हल्के से। चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से पकड़ के हल्के हाथ से हमको घुमाना है। देखा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से लॉक निकल जाता है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, कई बार परेशान हो जाते हैं कुछ लोग। इस तरीके से हम हाथ में पकड़ के इसको क्या करना है, मिट्टी में ज़्यादा गिराना नहीं है, ठीक है। बहुत ही आराम से आ जाएगा ये, देख पा रहे हो सांप की तरह आ रहा है कैसे। जो कि देख पा रहे हो छोटा पड़ जा रहा है, तो आप क्या होगा, टेंशन है, छोटा पड़ जा रहा है, क्या करें। चलो उसको लूज करते हैं, फाइनली हो जाएगा, कोई छोटा पड़ा नहीं हो रहा, तो इसी गाड़ी का लग जाएगा फाइनली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको लूज करके हमको अंदर की तरफ धकेलना होगा, ठीक है। जैसे कि ये एडजस्टर होता है, इस जगह पे दाग दिया होता है, ठीक है, अंदर में देख पा रहे हो दाग, जैसे कि लंबा सा एक दाग बना हुआ ना, उस साइड में भी हमको सेम रखना है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली जो कि चेन हमने क्या किया, यहाँ से एडजस्ट कर लिया, जो कि बराबर आ जाएगा। तो क्या करना है, हमको दो ओरिंग सबसे पहले लॉक में ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या करना है, हमको एक लगा देना है इस तरीके से, उसके बाद उसमें दो के लगा हुआ दो ओरिंग, ठीक है, अब अपना जॉइंट हो गया। आप क्या करना है, लॉक करना है, एक एक ओरिंग दे के दोनों में कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जहाँ पर ओरिंग होता है ना, ओरिंग में क्या होता है, कई बार लॉक काटने में भी दिक्कत होता है, तो हम बॉक प्लस की मदद से कस के फिर लॉक कर देंगे, ठीक है। चलिए लॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है इस पर, एक एक्स्ट्रा ओरिंग दे रखा था कंपनी वालों ने, क्योंकि आसानी से लग जाएगा ये, देखो लॉक अपना आ जाएगा, ठीक है, अब आसानी से आ जाएगा ये। चलिए लॉक कर लेते हैं। तो देखो लॉक किस तरीके से करना होता है, कुछ इस तरीके से लॉक किया जाता है, ठीक है। हम अंदर की तरफ जो खुली जगह है, खुली जगह में डाल के फिर इस साइड से हम धकेल देंगे थोड़ा सा। देखा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से लॉक होता है, तो यहाँ पर भी दबा के लॉक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चेन को बढ़िया से एडजस्ट करते हैं, टाइट किस तरीके से होता है फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि यहाँ पर छोड़ देंगे, और यहाँ पर एडजस्ट किया होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से एडजस्ट होता है, हमको बढ़िया से यहाँ जो है घुमा घुमा के देखना होता है, ठीक है, कहाँ पर टाइट हो रहा है, और यहाँ पर मार्किंग भी किया होता है, जो कि ये देख पा रहे हो यहाँ पर कितने में, एक दो तीन, तीन के पूरा बराबर में, ठीक है। उसी तरीके से उस साइड भी हमको करना है, और पहिया बढ़िया से घुमा घुमा के हमको देखना है कि कहाँ पर टाइट वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो टाइट कर रहे हैं अपना बच्चा लोग, जिस तरीके से अपना परफेक्ट हो चुका है देख पा रहे हो। चलिए यहाँ पे कस देते हैं सब कुछ, ठीक है, यहाँ पर कस देंगे पूरा, तो अपना काम पूरा डन हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, और ऐसे सपोर्ट करते रहो फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।